हेलो दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्रेंकायोस्टोमा। प्रेंकायोस्टोमा का एक्सक्रीटरी सिस्टम चार टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन से मिल करके बना होता है। प्रेंकायोस्टोमा के अंदर एक स्पेशल टाइप का फीचर होता है कि इनके एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो हायर कॉर्डेट से डिससिमिलरिटी रखता है। और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो नॉन कॉर्डेट से सिमिलैरिटी रखता है, जिसके दो रीज़न मोस्ट ऑफ होते हैं। हायर कॉर्डेटा से ये डिससिमिलरिटी रखता है क्योंकि हायर कॉर्डेट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है किडनी, और ये डिफरेंट टाइप्स के किडनी हो सकती हैं, जैसे कि प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। और इन किडनी का जो ओरिजिन होता है वो होता है मीजोडर्म जर्म लेयर से। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की, तो ये नॉन कॉर्डेट्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन से सिमिलैरिटी रखता है, जिसका रीज़न क्या है कि नॉन कॉर्डेट्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होते हैं नेफ्रिडिया, और इन नेफ्रिडिया का जो ओरिजिन होता है वो होता है एक्टोडर्म जर्म लेयर से। तो ब्रेंकायोस्टोमा का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो हायर कॉर्डेट से डिससिमिलरिटी रखता है, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनसे सिमिलरिटी रखता है, जिसका रीज़न हो जाता है कि हायर कॉर्डेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फॉर्म में किडनी रोल प्ले करती हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस, मेटानेफ्रोस, और इनका ओरिजिन होता है मीजोडर्मिक जर्म लेयर से। लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रिडिया, और इनका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म जर्म लेयर से। तो जो हमारा ब्रेंकायोस्टोमा होता है, जो कि लोअर कॉर्डेट से बिलोंग करता है, तो ब्रेंकायोस्टोमा का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो इवोल्यूशनरी फेज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक कड़ी बन जाता है नॉन कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स के बीच में इवोल्यूशन की, क्योंकि ये कॉर्डेट से बिलोंग करते हुए भी इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो हायर कॉर्डेट से डिफरेंस बताता है, और जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से सिमिलैरिटी शो करता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा, डन हो चुका होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की हेल्प से जब ब्रेंकायोस्टोमा के ब्लड में जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है, उन सभी वेस्ट मटेरियल को ब्लड से सेपरेट करके बॉडी से बाहर रिमूव कर देना, दिस इज़ द एक्सक्रीशन। तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और ये जो ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, इसकी कोई भी मैकेनिज्म जो होती है वो साइंटिस्ट को नोन नहीं है ब्रेंकायोस्टोमा के केस के अंदर। तो कौन सी मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म की हेल्प से एक्सक्रीशन होता है वो अभी तक नोन नहीं है। ओके, तो ये हमारा एक मोस्ट ऑफ पॉइंट बन जाता है कि हाँ, एक्सक्रीशन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से ब्रेंकायोस्टोमा के अंदर।
लेकिन ये किस फॉर्म से बाहर निकाल देते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को ब्लड में से, ये अभी तक किसी को भी नोन नहीं है। तो अब हम देखते हैं ब्रैंकायोस्टोमा के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया की। ब्रैंकायोस्टोमा का जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है वो ब्रैंकायोस्टोमा के जो फेरेंजियल वॉल होती हैं, ब्रैंकायोस्टोमा के फेरेंजियल वॉल के दोनों तरफ गिल्स दरारों के ठीक ऊपर, सेगमेंटल मेनर के अंदर पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और ये प्रोटोनेफ्रीडिया जो होते हैं जो ब्रैंकायोस्टोमा के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फॉर्म में रोल प्ले करते हैं, ये 19 से 100 पेयर के फॉर्म में होते हैं, सेगमेंटल मैनर में होते हैं और दोनों तरफ होते हैं और गिल्स दरारों के ठीक ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ग्रसनी दीवारों में गिल्स लीड्स के ठीक ऊपर सेगमेंटल मेनर के अंदर और पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। अगर हम प्रोटोनेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। ब्रैंकायोस्टोमा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर अगर हम बात करें तो किडनी जो होती है वो एब्सेंट होती है, और किडनी की जगह कौन फंक्शंस रोल प्ले करता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, हेट्सबिचेक नेफ्रीडिया, ब्राउन फनल और रेनल पैपिला। तो प्रोटोनेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर जो होता है एक ट्यूब्यूलर शेप में होता है, जो कि एक मुड़ी हुई संरचना होती है। इनके अंदर दो भुजाएं निकली होती हैं, हॉरिजॉन्टल लिम्स और वर्टिकल लिम्स, और इनका जो डोर्सल सरफेस होता है, अगर हम नेफ्रीडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर नेफ्रीडिया जो होते हैं ब्रैंकायोस्टोमा के केस में वो होते हैं क्लोज टाइप के नेफ्रीडिया। अब क्लोज टाइप के नेफ्रीडिया क्या होते हैं और ओपन टाइप के नेफ्रीडिया क्या होते हैं, अगर हम ओपन टाइप की बात करें तो ओपन टाइप के नेफ्रीडिया के अंदर एक ट्यूबुलर शेप तो होता ही, उसी के फॉर्म में एक पेरिटोनियल कीप होता है, हम बोल सकते हैं पेरिटोनियल फनल होता है, जो कि ओपनिंग होता है ब्लड वेसल्स, जो गुच्छा होता है हम जिनको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इन ब्लड वेसल्स से ही नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को इन ट्यूबुलर शेप के अंदर यानी कि नेफ्रीडिया के अंदर डाल दिया जाता है, और यहाँ पर ओपनिंग होती है उसको वेस्ट मटेरियल को पास आउट करने के लिए। तो यहाँ पर एक खुला हुआ कीप होता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। तो ओपन टाइप के नेफ्रीडिया के अंदर नेफ्रोस्टोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्लोमेरुलस से नाइट्रोजिनस वेस्ट को अंदर ले सके ट्यूब्यूलर शेप में नेफ्रीडिया के अंदर। और जो क्लोज टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं इनके अंदर कोई भी ओपन टाइप का जो माउथ होता है वो नहीं होता है ग्लोमेरुलस से लेने के लिए नाइट्रोजिनस वेस्ट को। तो इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है कि हमारा नेफ्रीडिया जो है ब्रैंकायोस्टोमा का, ये एक मुड़ी हुई नली के समान है जिसके अंदर ओपनिंग होती है नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर। और इनकी दो भुजाएं होती हैं हॉरिजॉन्टल, ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल भुजा, और ये वाली हो जाती है वर्टिकल भुजा। तो हॉरिजॉन्टल भुजा के और वर्टिकल भुजा का जो इस नेफ्रीडिया का जो डोर्सल सरफेस है, ये वाला जो ऊपर वाला सरफेस है, इस डोर्सल सरफेस पर बहुत सारे ब्रांचेस फॉर्म में निकले होते हैं, और इन ब्रांचेस के ऊपर क्या होते हैं, कुछ सोलेनोसिस्ट सेल प्रेजेंट होती हैं। ये जो हमें दिखाई दे रही है पिंक कलर की, ये हो जाती है हमारे सोलेनोसिस्ट सेल, इनको हम ज्वाला कोशिकाएं भी बोलते हैं। और इन्हीं ज्वाला कोशिकाओं की हेल्प से, इस स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या करता है कि यहाँ पर ग्लोमेरुलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनके नेफ्रीडिया के दोनों भुजाओं की तरफ, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ से ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को ले लेते हैं अपने सोलेनोसिस्ट सेल के अंदर, और यहाँ से होते हुए उसको नेफ्रीडियोपोर से बाहर निकाल देते हैं। तो अगर हम एक सोलेनोसिस्ट सेल की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा।
अगर हम यहाँ की एक स्ट्रक्चर को ले तो ये हमें इस टाइप से दिखाई देगा। टोटल सोलेनोसिस्ट जो होते हैं एक नेफ्रीडिया के अंदर, एक प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर, तो वो प्रेजेंट होते हैं 500 के आसपास। एक प्रोटोनेफ्रीडिया में 500 के आसपास हमारे ये सोलेनोसिस्ट जो सेल होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। मेन जो डक्ट होती है नेफ्रीडिया की, उसके साइड ब्रांचेस के ल्यूमन से ये निकली होती है। ल्यूमन एक गुहा होती है, यहाँ से ये सोलेनोसिस्ट जो सेल होती है वो फ्रीली निकली होती हैं। तो सोलेनोसिस्ट सेल का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारे साइड ब्रांच की ल्यूमन, और यहाँ से फ्रीली निकले होते हैं सोलेनोसिस्ट सेल। इन सोलेनोसिस्ट सेल के अंदर एक होता है हेड पोर्शन और दूसरा होता है इंटरसेल्युलर स्पेस, और यहाँ पर होता है न्यूक्लियस सेल का, और यहाँ पर एक बेसल बॉडी होती है, और इस बेसल बॉडी से एक फ्लैजिला जो होता है वो लगा रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी सोलेनोसिस्ट सेल होगी, इसमें भी हेड वाले पोर्शन पर न्यूक्लियस होगा, बेसल बॉडी, और यहाँ से फिर फ्लैजिला जो होते हैं वो निकले रहते हैं। फ्लैजिला के वाइब्रेशनल मूवमेंट के थ्रू ही यहाँ से जितना भी ब्लड से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होता है जो इनके न्यूक्लियस में आ जाता है, और फिर यहाँ से होते हुए ये वाइब्रेशनल मूवमेंट की हेल्प से इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को आगे भेज देता है जो मेन डक्ट होती है नेफ्रीडिया की। उस मेन डक्ट के अंदर, उस मेन डक्ट की जो ल्यूमन होती है, जो गुहिका होती है, उस गुहिका में भेज देता है, और यहाँ से होते हुए ये फिर आगे मेन डक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से सोलेनोसिस्ट या फिर ज्वाला कोशिकाओं की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, और ये हो जाती है हमारी बॉडी वॉल ऑफ नेफ्रीडिया। ये नेफ्रीडिया की बॉडी वॉल हो जाती है, इसमें भी कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो हमें इतनी ही बात क्लियर करनी थी, सो हमें पता चल गई है। अब हम इसकी लोकेशन को देखने के लिए कुछ जो ग्रसनी की जो दीवार थी उसके ओवरव्यू को देख लेते हैं, जो फेरेंजियल वॉल होती है उसके कुछ ओवरव्यू को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो नेफ्रीडिया होते हैं, ये नेफ्रीडिया ग्रसनी दीवारों के दोनों तरफ जो गिल्स दरारें होती इनके ठीक ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए हमें ब्रैंकियल जो वॉल है, जो फेरेंजियल जो वॉल है, उस ग्रसनी की दीवार को समझना होगा। तो हम कुछ छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं फेरेंजियल वॉल का। फेरेंजियल वॉल में हमें दो टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। गिल स्लिट्स होती हैं, एक लॉन्जिट्यूडनल अपर्चर होता है, छेद होता है जिससे कि वाटर रिमूव हो जाता है। ये ब्रैंकायोस्टोमा के ग्रसनी के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, कुछ लॉन्जिट्यूडनल छेद होते हैं, इन्हीं को हम गिल स्लिट्स बोलते हैं, गिल्स की दरारें बोलते हैं, बाकी होते हैं गिल्स बार। इन गिल्स बार को हम फेरेंजियल वॉल ही बोलते हैं, ग्रसनी की दीवार ही बोलते हैं। ये फेरेंजियल वॉल दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार। अगर हम इस फेरेंजियल वॉल का TS कट करके देखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर हम इसका TS कट करके देखते हैं तो हमें इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, जिनके अंदर हमें तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ये हो जाता है स्केलेटल रॉड्स, ये वाला हो जाता है सिलोमिक कैविटी, और ये हो जाती हैं ब्लड वेसल्स। और जो सेकेंडरी गिल बार होता है उनमें ये स्केलेटल रॉड्स और ये ब्लड वेसल्स, इनमें सिलोमिक कैविटी एब्सेंट होती हैं। अब हमने इसका TS कट करके देखा है, मतलब कि इनके अंदर इस फॉर्म के अंदर वर्टिकल फॉर्म में गिल्स रॉड प्रेजेंट होती है जो कि हमें दिखाई दे रही है। प्राइमरी गिल बार के अंदर प्राइमरी गिल्स रॉड होती हैं, ये कंकाली छड़े होती हैं जो कि ग्रसनी को सहारा देती हैं, ग्रसनी को सपोर्टेड रखती हैं, और नीचे से ब्रांच होती हैं। तो ये इस वर्टिकल फॉर्म के अंदर फेरेंजियल वॉल में घुसी रहती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सिलोमिक कैविटी होती है, ये कुछ ग्रसनी की दीवारों में खाली स्पेस होता है जो कि
जिसके अंदर के सिलोमिक लिक्विड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये सिलोमिक लिक्विड प्रेजेंट होता है, ये भी वर्टिकल फॉर्म में सिलोमिक कैविटी होती है इसी ग्रसनी की दीवारों में। और फिर होते हैं ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स भी वर्टिकल फॉर्म में गिल्स की गिल्स बार में या फिर ग्रसनी की दीवारों में होते हैं। तो ये हमने ग्रसनी के दीवार के बारे में छोटा सा ओवरव्यू देख लिया है। तो अब हम इसके लोकेशन की बात करते हैं कि ग्रसनी की जो दीवारें होती हैं इन दीवारों पर ये एक विशेष प्रकार के व्यवस्था क्रम में लगे रहते हैं, जिसके अंदर जो वर्टिकल लिम्स होती हैं वो प्राइमरी गिल बार के जो सिलोमिक कैविटी होती है इस सिलोमिक कैविटी के अंदर घुसी हुई होती हैं। वर्टिकल जो वर्टिकल लिम्स होती हैं ये वर्टिकल लिम्स हमारे प्राइमरी गिल्स की सिलोमिक कैविटी में घुसी होती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लिम्स होती हैं वो सेकेंडरी गिल बार के ऊपर रखी हुई होती हैं। ये विशेष प्रकार का व्यवस्था क्रम इसीलिए होता है क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इन सोलेनोसिस्ट सेल को चारों ओर से कवर कर सके। ये हमारा एक बड़ा वाला डायग्राम है, इसी को मैंने ड्रॉ किया है ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारा प्राइमरी गिल बार, ये सेकेंडरी गिल बार, और बीच में होता है गिल स्लिट्स। प्राइमरी गिल बार के अंदर हमने अभी टीएस को कट करके देख लिया कि सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है और सेकेंडरी के अंदर सिलोमिक कैविटी एब्सेंट होती है। तो अब यहाँ से वेंट्रल एरोटा एक अधरीय धमनी जो होती है ब्लड की, वो एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज की परफॉर्म में प्राइमरी गिल बार के अंदर होती हैं ये ब्लड वेसल्स, और यहाँ पर आ जाने के बाद में ये ब्लड वेसल सिलोमिक कैविटी के अंदर चली जाती हैं। ये हमारे येलो जोन से मैंने सिलोमिक कैविटी को बताया है, और ये हमारी ब्लड वेसल सिलोमिक कैविटी के अंदर चली जाती हैं। उसी प्रकार से ये जो स्केलेटल रॉड्स होती हैं जो कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, इन स्केलेटल रॉड्स के अंदर भी ब्लड वेसल्स चली जाती हैं, और जो कि जो सिनेप्टिक्यूल्स होते हैं उनकी सहायता से ब्लड वेसल्स सेकेंडरी गिल बार के अंदर चली जाती हैं, क्योंकि सेकेंडरी गिल बार में ब्लड का सप्लाई वेंट्रल एरोटा से नहीं होता है। तो ब्लड का सप्लाई यहाँ पर सिनेप्टिक्यूल्स के थ्रू सेकेंडरी गिल बार में होगा, और यहाँ सेकेंडरी गिल बार में जाने के बाद पीछे जाकर के ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ग्लोमेरुलस बना करके जो नेफ्रिडिया का जो हॉरिजॉन्टल लिम सेकेंडरी गिल बार पर होता है उसके ऊपर जाकर के ये ब्लड ग्लोमेरुलस बना करके इन सोलेनोसिस्ट सेल को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं, और इसका जो वर्टिकल लिम्स जो सिलोमिक कैविटी के अंदर घुसा हुआ होता है वो सिलोमिक कैविटी के अंदर भी कुछ ब्लड वेसल्स चली जाती हैं, और यहाँ से ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो फिर से आगे की तरफ डोर्सल जो एरोटा होता है उस डोर्सल एरोटा की तरफ चली जाती हैं, और वहाँ से आगे पास आउट होता रहता है ब्लड। तो इन्हीं ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होता है उनको ये सोलेनोसिस्ट जो होती हैं वो ले लेती हैं डिफ्यूज़न की हेल्प से। इनमें कोई मैकेनिज्म नहीं दे रखा है, तो इसीलिए माना जाता है कि शायद से डिफ्यूज़न की हेल्प से इन सोलेनोसिस्ट सेल जो कि चारों तरफ से ब्लड वेसल से कवर हो जाती हैं इनसे नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो होता है वो आ जाता है सोलेनोसिस्ट सेल से ल्यूमन के अंदर, और ल्यूमन में आकर के ये मेन डक्ट में आकर के नेफ्रिडिया जो पोर होता है जो कि ओपनिंग होती है नेफ्रिडिया की ये हो जाती है एट्रियम के अंदर। ये फेरेंजियल वॉल के चारों तरफ एक थैला होता है जो कि फेरेंजियल वॉल को घेरे रखता है, और गिल स्लिट्स की जो गिल्स के दरारें होती हैं वहाँ से पानी जो होता है वो आता रहता है और एट्रियोपोर से बाहर निकल जाता है। तो ग्रसनी की दीवार के पास ही ये थैला होता है एट्रियम। तो नेफ्रिडियोपोर से इन नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का पास आउट हो जाता है एट्रियम के अंदर, और एट्रियम में आ जाने के बाद में ये एट्रियोपोर की हेल्प से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है हमारे प्रोटोनेफ्रिडिया की स्ट्रक्चर और प्रोटोनेफ्रिडिया का पूरा ओवरव्यू। तो
ये हमारे कुछ स्पेशल पॉइंट है जो कि मैंने बता दिए हैं कि प्राइमरी गिल बार में जो कि सिलोमिक कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स होती है उनमें वर्टिकल जो होता है वर्टिकल लिम्स घुसी हुई होती हैं ताकि इनके सोलेनोसिस्ट सेल को ब्लड वेसल्स चारों ओर से कवर कर ले, और हॉरिजॉन्टल लिम्स गिल्स बार सेकेंडरी गिल्स बार के ऊपर होती हैं जहाँ से ये ग्लोमेरुलस की हेल्प से हॉरिजॉन्टल लिम्स के जो सोलेनोसिस्ट सेल होते हैं वो चारों ओर से ब्लड वेसल से कवर हो जाए। तो इतनी बात हमारी क्लियर हो चुकी। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसका एग्जिट लोकेशन देखते हैं, ये हमारा रॉ डायग्राम था केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अगर मैकेनिज्म रोल प्ले करने वाला अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेफ्रिडिया का डायग्राम हो जाता है। ये भी हमारी प्राइमरी गिल बार जो कि वर्टिकल लिम्स हैं और सेकेंडरी गिल बार जो कि हॉरिजॉन्टल लिम्स हैं, और ब्लू वाले जोन से मैंने गिल स्लिट्स को बताए हैं। तो ये भी हमारा सेकेंडरी और ये हमारा प्राइमरी और ये सेकेंडरी, फिर ये हमारा प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, इस टाइप से ये ग्रसनी की दीवारों के अंदर गिल स्लिट्स के ऊपर इस प्रकार से इनका व्यवस्था क्रम होता है सेगमेंटल मेनर के अंदर। तो आई होप आपको प्रोटोनेफ्रिडिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम देखते हैं हमारे हेट्सबेचेक नेफ्रिडिया को। हेट्सबेचेक जो नेफ्रिडिया होता है ये बिल्कुल प्रोटोनेफ्रिडिया की तरह ही होता है। ये हमारी नोटोकॉर्ड हो जाती है और ये हमारा हेट्सबेचेक पीठ हो जाता है या फिर एक गड्ढा हो जाता है। तो जब हम इस ब्रेंकाइस्टोमा को नीचे से कट करते हैं और इस प्रकार से खोल देते हैं तो हमें कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। ये हमारा रोस्ट्रम वाला पार्ट और ये हमारी नोटोकॉर्ड। तो जस्ट नोटोकॉर्ड के पीछे एक बड़ा सा नेफ्रिडिया होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्सबेचेक नेफ्रिडिया, और ये नेफ्रिडिया जो होते हैं बिल्कुल प्रोटोनेफ्रिडिया की तरह ही होता है, लेकिन इनके अंदर सेगमेंटल मैनर नहीं होता है। ये केवल एक ही होता है बड़ा और एकदम नैरो ट्यूब की तरह होता है, और इनमें बहुत सारे सोलेनोसिस्ट जो सेल होती हैं वो चारों ओर प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो नेफ्रिडिया होता है वो यहाँ से नोटोकॉर्ड रोस्ट्रम के यहाँ से लगा करके फेरिंग्स वाले पोर्शन तक होता है। ग्रसनी की दीवार ग्रसनी से होते हुए यहाँ पर ये आ जाते हैं ग्रसनी वाले पार्ट के अंदर, यानी कि ये नोटोकॉर्ड है। तो नोटोकॉर्ड के इस तरफ पीछे से ये नेफ्रिडिया होता हुआ, ये हमारा व्हील ऑर्गन है। तो ये क्या है? व्हील ऑर्गन है, और ये हो जाता है व्हीलम, दिस इज़ द पार्ट ऑफ व्हीलम। तो यहाँ से इस ये होता हुआ ग्रसनी के अंदर चला जाता है, और इन्हीं के चारों ओर ये जो नैरो ट्यूब के चारों तरफ जो सोलेनोसिस्ट सेल है इन्हीं के चारों तरफ एक सिलोमिक कैविटी होती है। और हमें पता है कि सिलोमिक कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इसी प्रकार से सिलोमिक कैविटी इनके चारों तरफ होती है, खाली स्पेस होता है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स इन सोलेनोसिस्ट सेल को चारों ओर से कवर करके रखते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लड वेसल्स को रिप्रेजेंट नहीं किया है, हमें इमेजिनेशन की हेल्प से इसे समझना होगा। तो यहाँ से ये उसी मैकेनिज्म की हेल्प से, क्योंकि मैकेनिज्म तो है नहीं, हम मान लेते हैं कि डिफ्यूज़न की हेल्प से होता होगा, तो उसे डिफ्यूज़न की हेल्प से ब्लड वेसल्स से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है वो सोलेनोसिस्ट सेल में आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद ये नैरो ट्यूब से होता हुआ ये नैरो ट्यूब फेरिंग्स के अंदर खुलती हैं। तो फेरिंग्स के अंदर जो गिल स्लिट्स होती हैं, जो दरारें होती हैं, उनके दरारों से होता हुआ ये एट्रियम के अंदर आ जाता है, और एट्रियम से एट्रियोपोर की हेल्प से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि ब्रेंकाइस्टोमा जो होता है वो हमारा वाटर के अंदर सर्वाइवल एनिमल होता है, लोअर कॉर्डेटा से बिलोंग करता है, तो ये वाटर को हमेशा ही अंदर फ्लो करवाते रहता है। तो इन्हीं फेरिंग्स की गिल स्लिट्स की हेल्प से ये वापस से वाटर के साथ एट्रियम में आकर के एट्रियोपोर से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं।
तो अब हमारा हेक्स भी चेक, नेफ्रीडिया भी क्लियर हो चुका, डन हो चुका, इसकी लोकेशन हमें पता चल गई है। तो इसी टाइप से ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ब्रैंकायोस्टोमा में नेफ्रीडिया के फॉर्म में। अब थर्ड आता है हमारे पास ब्राउन फनल। तो ये जो ब्राउन फनल होते हैं, अगर हम TS ऑफ फेरिंग्स देखें, अगर हम ग्रसनी को कट करके देखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से डायग्राम देखने को मिलता है। ये TS ऑफ फेरिंग्स हो जाता है, इनके अंदर ये मायोटोम्स हो गए और यहाँ पर कुछ ब्राउन फनल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये हमारा फेरिंग्स वाला पोर्शन हो जाता है, ये हमारा एट्रियम वाला पार्ट हो जाता है और यहाँ पर ब्राउन फनल होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इनका बहुत शॉर्ट रोल प्ले होता है, सिर्फ ये हेल्प कर देते हैं एक्सक्रीशन के अंदर। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है रेनल पैपिला। तो रेनल पैपिला जो होता है ये क्या होते हैं, ये एट्रियम की जो नीचे वाला जो फर्श होता है, उस फर्श पर एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, गहरे धब्बे वाली स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं रेनल पैपिला। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर हमें रेनल पैपिला की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये हमारा एट्रियम है, एट्रियम की दीवार पर फर्श पर स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि ग्रुप ऑफ सेल से बनी होती हैं और ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है ये फिर से एट्रियोपोर की हेल्प से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ब्रैंकायोस्टोमा था। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, डन हो चुका होगा। ये हमारा लोकेशन हो जाता है प्रोटोनेफ्रीडिया, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, डन हो चुका होगा। सो थैंक यू।